एक साधक ने जिज्ञासा की है कि हम जो जीवन में पाना चाहते हैं उसे पाने में 100% सफल हो जाएं, इसके लिए हम क्या करें। कुछ पाना चाहना गलत नहीं है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन कुछ भी पाने में सफल होने के लिए मैं समझता हूं कि हमें ये जानना चाहिए कि तीन चीजें हैं हमारे पास। पहली तो वही है जो आपने कहा कि जो हम चाहते हैं, यानी कुछ भी चीज को चाहना, क्योंकि जब तक किसी चीज के प्रति जिज्ञासा आपको नहीं होगी, लगन नहीं होगी, कोई सामने लक्ष्य नहीं होगा, तो आपको कोई जीवन नहीं है। तो इच्छा होना कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके बाद दूसरी एक चीज होती है कोशिश, कि हम उसके लिए प्रयास करें। प्रयास आधे अधूरे भी होते हैं और प्रयास ऐसे भी होते हैं जो निश्चित रूप से सफल होते हैं। अक्सर आप कहते हैं कि लेट अस ट्राई, चलिए कोशिश करते हैं। कोशिश करना भी बहुत लोग कोशिश करते हैं। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, ऑल मैन स्ट्राइव बट हू सक्सीड्स, पीवी शैली भी ये कह रहे हैं। लेकिन एक तीसरी और चीज भी है, वो भी इसमें जुड़नी चाहिए, उसको हम कहते हैं संकल्प, डिटर्मिनेशन। इच्छाएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं। जो बात आपने पूछी है कि इच्छा पूरी करने के लिए क्या करें, तो ये पीड़ा आम आदमी की है, क्योंकि इच्छा तक सब सीमित रह जाते हैं। कौन नहीं चाहता कि मुझे जीवन में चरम उत्कर्ष मिले, कौन नहीं चाहता कि मैं जीवन की बुलंदियों को छूं, कौन नहीं चाहता कि मैं हमेशा सफल रहूं। लेकिन चाहने मात्र से कभी सफलता नहीं मिलती, इच्छाएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं। प्रयास के लेवल पर जब हम आते हैं तो प्रयास सफल भी होते हैं, प्रयास असफल भी होते हैं, क्योंकि अभी लक्ष्य के प्रति पूरी लगन नहीं है। जो मैंने कहा कि लेट अस सी, कि आइए एक बार कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है सफल हो जाए, तो हो सकता है का मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तीसरी चीज है जो हमें पकड़नी होगी, और जिन्होंने इस चीज को पकड़ा है वो 50-50 नहीं, वो 100% श्योर होते हैं, और उसको हम कहते हैं संकल्प। और संकल्प जहां होते हैं वहां संकल्प सिद्धि होती ही है, कि मुझे ये कार्य करना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे अपने आप को स्पेयर नहीं करना।